after a long time. तो मैं भी चारकोल का स्केच कर रहा था, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए. बहुत टाइम हो गया वीडियो भी नहीं बनाया. तो भी हाफ आधा चारकोल का वर्क कंप्लीट हो गया है, दिखाता देता हूँ. ये पूरी तरह चारकोल का है, खाली ये जो लाइंस बनाई हैं वो खाली पेंसिल से ड्रॉ किया है, बाकी सब चारकोल ही है. और चारकोल में स्टिक की इस्तेमाल कर रहा हूँ. मर्जअप के लिए भी मैं पेपर स्टम्प और ये नॉर्मल ब्रश आता है वो यूज़ कर रहा हूँ. मैं चारकोल स्टिक यूज़ कर रहा हूँ. ये एक्चुअली टूट गया है, तो ये नॉर्मल चारकोल स्टिक मैं यूज़ करता हूँ. नॉर्मल 20 रुपीज़ की एक स्टिक आती है ये. मैंने एक स्टिक खरीदी मीडियम शेड का, लेकिन ज़्यादा डार्क आता है ये. नॉर्मल पेंसिल से तो बेटर लगा मुझे ये. तो चलो स्टार्ट करते हैं. ब्लेंडिंग करने की वजह से इधर की शेड्स जो है वो कम हो जाते हैं, तो उन्हें भी भरना ज़रूरी होता है. ब्लेंडिंग ब्रश लेकर चारकोल पेंसिल की तरह पता नहीं चलता है ये कि ब्लेंड हो रहा है कि नहीं. वीडियो में नहीं दिख रहा होगा लेकिन चुल में इधर दिख रहा है मुझे कि किस तरह मर्ज हो रहा है, किस तरह जा रहा है. भी ये देखिए गर्दन के ऊपर मैंने बनाया था. ब्रश एब्जॉर्ब कर लेता है चारकोल. पेपर स्टम्प इस चारकोल को प्रोड्यूस करने की वजह से इतना डार्क हो गया है. ये लगने की वजह से ये देखिए इससे अपने आप निकल रहा है. इसका रेफरेंस पिक मैं आपको दिखा, ये है इसका रेफरेंस पिक. मैं इसको एकदम सेम टू सेम बनाने का ना ट्राई बिल्कुल नहीं कर रहा. मैं थोड़ा बहुत डिफरेंस करूँगा, जैसा बनेगा वैसा. ये खाली एक रेफरेंस इमेज है, बाकी अंदर का चारकोल शेड मैं अपनी मर्जी से ही कर रहा हूँ. थोड़ा बहुत इधर से ले रहा हूँ. चलिए शुरू.
ये इस साइड का मैंने अभी किया पूरी तरह, अभी भी मर्ज कर नहीं रहा हूँ मैं, टाइम लगेगा। जो डार्कनेस मुझे चाहिए वो आने में टाइम लग जाता है। एज पर द रेफरेंस पीक मैंने ये पोर्शन डार्क कर लिया है, यहाँ का डार्क कर लिया, इसका डेप्थ आया है, स्मोकिंग का दिखाया है, बाकी है ये गले का पोर्शन, ये नीचे का पोर्शन बाकी है, और ये ईयर साइड बाकी है, नीचे का बाकी है। ई पेंसिल यूज़ करूँगा जो काफ़ी इजी पड़ेगा करने के लिए। मैं इसको लाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो क्लोथ पार्ट है ये उससे भी ज़्यादा है, आई मीन डार्क है।
देखा कैसे मिक्सअप हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए।